हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएँ, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएँ, फाइनेंसिंग, फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। तो जैसा कि इसका कामकाज से अवगत हो गए होंगे, अब चलते हैं इसके मुख्य डाटा पर। इसका मार्केट कैप 191 करोड़ का, करंट प्राइस 2.30 रुपया, 52वीं का हाई लो प्राइस 3.25 रुपया और 1.45 रुपया, स्टॉक पी 24.4, बुक वैल्यू 2.49 रुपया, तो बुक वैल्यू से कम रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 6.13%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 4.54%, फेस वैल्यू 1 रुपया और इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू 91 करोड़ का। आगे देखते हैं दोस्तों, एक साल का चार्ट देखते हैं तो अभी ये तो या तो ये कंसोलिडेट करेगा या डाउन में आएगा, जब तक कि कुछ खास न्यूज नहीं आ रहा। इसमें प्रोज 3 है और कॉन्स भी 3 है। कॉन्स कुछ खास है नहीं, लेकिन प्रोज ठीक ही है। फर्स्ट में बताया हुआ है कि अपने बुक वैल्यू से इतना टाइम्स पर ट्रेड कर रही है और दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है और तीसरा डेप्टर डेज इम्प्रूव हुआ है 42.7 दिन से 27.8 दिन पर। पीयर कंपेरिजन अगर देखते हैं तो इस तरीके का है, 156 कंपनी है क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 73 लाख का और EPS 1 पैसा। TTM लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो सेल्स 57 करोड़ 36 लाख का, एक्सपेंस 46 करोड़ 14 लाख का, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ 85 लाख का और टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 80 लाख का, जिसके वजह से EPS अर्निंग पर शेयर 10 पैसा है। तो जिस लेवल में ये ट्रेड कर रही है उसके हिसाब से लास्ट 12 मंथ का EPS तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही। इसके पास रिजर्व अच्छा खासा है 124.76 यानी कि 124 करोड़ 76 लाख और शेयर कैपिटल 84 करोड़ का है। ब्रोइंग मात्र 32 करोड़ 48 लाख का है और इन्वेस्टमेंट ये 1 करोड़ 48 लाख का कर चुका है। टोटल एसेट इसका बढ़ करके 277 करोड़ 26 लाख का हो चुका है। कैश फ्लो प्लस में ही है 66 लाख का लास्ट 2023 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मार्च में क्लोजिंग हुआ था। शेयर होल्डिंग पैटर्न 26.40% का, FIs के पास में कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास में 73.60% है, यानी कि दो ही हैं, प्रमोटर या पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 2,28,993 शेयर होल्डर्स है इसका। और इसमें एक न्यूज है, शेयर होल्डर मीटिंग, पोस्टल बैलेट, स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट ई वोटिंग वाला दर्शाए हुए हैं। रेफरेंस इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, सब्जेक्ट आउटकम ऑफ
28th एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25th सितंबर 2023। तो 28वां एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उसी का आउटकम है ये। तो इस रिपोर्ट में कितना वोटिंग किसके लिए पड़ा है वो बताए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ करके ही इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये कुछ खास न्यूज है नहीं, लेकिन हाँ इसके बाद में कुछ न्यूज आएगा बहुत जल्द। क्योंकि जिस कंपनी के पास में अच्छी खासी रिजर्व हो तो कुछ कर सकता है, और प्रॉफिट मेकिंग भी कंपनी है ये, और काफ़ी छोटे लेवल के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी पर मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।